प्यारे बच्चों, आज हम आपको एडवांस विंडो मूवी मेकर सिखाते हैं। मूवी मेकर सिखाते हैं। देखो, विंडो मूवी मेकर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें से हम वीडियो की कटिंग करते हैं तथा उसको सेव करके एक मूवी बना देते हैं। अब इसको सिखाने के लिए क्या है एडवांस में, देखो पहला जो है कि इसमें एडवांस आप ये कर सकते हो कि एक वीडियो है, ठीक है, ये एक वीडियो है, ठीक है, ये मैंने कहीं बनाया है, बना लिया इसको। अब ये दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो, ये कहीं और बनाया है, ये थर्ड वीडियो है, ये कहीं और बनाया है। अब क्या है कि मूवी मिक्सिंग में इन तीनों वीडियो को उठा लिया मैंने, ठीक है, तो उठा के नीचे जो उसकी स्क्रीन होती है वहां रख देते हैं, टाइम लाइन कहते हैं उसके, क्या कहते हैं, टाइम लाइन। अब देखो, अगर मैंने इन तीनों वीडियो को इसके बीच में डाल दिया है तो एडवांस क्या चीज है, इनकी जो ऑडियो है ना, इनकी ऑडियो ऑडियो ये मैं म्यूट कर दूंगा। म्यूट का मतलब ये है कि मैंने वीडियो भी बनाए हैं पर इनकी आवाज नहीं होगी, ये किसी एक्शन के है, बंदा इधर सोच रहा है पर पीछे से आवाज चल रही होगी, तो तीन अलग अलग वीडियो म्यूट हो गए। तो यहाँ हम कहेंगे बैक वॉइस, तो पीछे से आवाज आएगी तो ऐसा लगेगा कि ये जो सोच रहा है उसी की आवाज है, तो उस वॉइस को हम सेव कर लेंगे और सेव करके इसी के टाइम लाइन में डाल देंगे। तो ऐसे चलेगा, तीन वीडियोस एक हो जाएंगे, एक एक वन वीडियो बन जाएगा सुपर, और इसकी वॉइस जो होगी बैक वॉइस होगी, इसकी ये वाली वॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो आपने एडवांस मूवी मेकर को सीख लिया, इसका अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, आओ करके देखते हैं। विनोद, आज से तुमने हर 3 महीने में खूनदान देना ही है। हाँ, तुझे खूनदान देना ही पड़ेगा, इससे किसी की जान बच सकती है। क्या तुम किसी की जान नहीं बचाओगे? सोचो, तुम्हें किसी की जान बचानी ही है। विनोद, तुम क्यों खूनदान दोगे? क्या जिसे तुम खूनदान दोगे, क्या तुम्हारी माँ लगती है, बाप लगता है, बहन लगती है या रिश्तेदार है? क्या तुम भूल गए उस न्यूज़ की फर्स्ट लाइन को जिसमें लिखा हुआ था कि आज इस हॉस्पिटल में खून बिका है? याद रखो, तुम्हारा दिया हुआ दान पैसों से बिक जाता है। आज हर इंसान बिका हुआ है, कोई फायदा नहीं है खून दान देने का। विनोद, सभी रिश्तों से बड़ा एक रिश्ता होता है जिसे इंसानियत का रिश्ता कहते हैं। तुम भी तो इंसान है तथा तुझे भी खून की आवश्यकता हो सकती है। जब तुझे खून की आवश्यकता हो सकती है तो किसी और को भी खून की आवश्यकता हो सकती है। तुम सिर्फ अपना खून दान देकर अपनी इंसानियत का फर्ज निभाओ। कोई क्या करता है क्या नहीं करता तुम मत सोचो, उठो, खून दान देने के लिए जाओ। जो खून बेचता है वह पाप का भागी है। परमात्मा उसके गलत कामों की सजा उसको अवश्य देगा। तुम खून दान ना देकर पाप के भागी क्यों बनते हो? जाओ, आज ही से खून दान देके आओ तथा अपने जो फर्ज हैं उसको निभाओ। आज से एक संकल्प लो कि तुम हर महीने
हाय 3 महीने के बाद खूनदान दोगे। तुम सब कुछ जानते हो, ज्ञान तुम्हारे अंदर है, सच्चाई तुम्हारे अंदर है। तुम किसी के भले के लिए पैदा हुए हो। सोचो, एक महान काम तुमने करना है तथा इसी अच्छे काम से इसकी शुरुआत करो।